लीजिए पितामह, आपके लिए। सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है, अभी तो लिटाया मैंने। अभी तो यही थे, क्षण भर का समय भी नहीं हुआ, कहाँ चले गए? किसी ने मेरे लाल को देखा क्या? कहाँ जा सकता है? किसी ने तो लिया होगा, अदृश्य तो नहीं हो सकता। देखिए कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिर गया? प्राण वल्लभ, दो दिनों के हनुमान लल्लभ घुटनों पर चलने लगे, इसमें आश्चर्य कैसा? हमारे श्याम सुंदर ने भी जन्म से छठवें दिन ही राक्षसी पूतना के प्राण खींच लिए थे। आंखें जो देखती हैं और जिसे सत्य मानती हैं, वो अधिकतर एक भ्रम होता है। सर्वव्यापी भगवान शंकर अपनी आठ मूर्तियों के रूप में इस जगत के हर तत्व में वास करते हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी रूपी पांच महाभूतों में वास करते हुए उनका नियंत्रण करते हैं। और इसके अतिरिक्त
महादेव रूप से चंद्रमा में, ईशान रूप से सूर्य में और पशुपति रूप से समस्त पशुओं अर्थात जीव जंतुओं के भीतर रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु से लेकर सारे पशु पक्षी मनुष्य देवता इन सब की आत्मा में पशुपति उपस्थित है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है सब में महेश्वर का वास है। इन आठ रूपों में से जो सर्वव्यापी वायु है इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की सारी शक्ति का कारण प्राण रूपी वायु ही है। और जब ये शक्ति एक रूप ले लेती है तो वो और कोई नहीं स्वयं हनुमान ही है। यदि वो प्राण वायु रूपी हनुमान अपने शैशव में ही वज्रकाय हो, महाबली हो, संकट मोचन हो तो आश्चर्य कैसा। उन्हें देखने वाले निरंतर अद्भुत रस में डूबे रहे तो आश्चर्य कैसा। वो है ही अद्भुत। अद्भुत शिशु, हमारा शत्रु एक शिशु। वाली भैया, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अब आप शिशुओं से भी प्रतियोगिता करने लगे। ये कोई हंसने की बात नहीं है सुग्रीव। वो मरकट कोई साधारण शिशु नहीं है। वो शिशु है किंतु वो मायावी शक्ति संपन्न है। मायावी है तो भी न जाने कितने यक्ष राक्षस आदि घूमते रहते हैं, सब तो हमारे शत्रु नहीं हो जाते। और फिर एक शिशु। तुम समझते क्यों नहीं सुग्रीव? तुम मुझ महानतम के निर्णय पर संदेह कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं महानतम अकारण किसी अजन्मे शिशु के प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा? नहीं वाली भैया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? क्या किसी विष भरे सपोले को इसीलिए पालते रहना चाहिए कि वो अभी शिशु है, नवजात है? अरे मूर्ख, बुद्धिमान तो वही है जो विष वृक्ष को बढ़ने से पूर्व ही उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। वह मरकट हमारे किष्किंधा राज्य और परिवार को ग्रसने वाला राहु है। यदि हमने उसका नाश नहीं किया तो वो हमारा विनाश कर देगा। किंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझ महानतम को यह सूचना दी। यदि ऐसा है तो भैया मैं भी आपके साथ हूं। किष्किंधा की रक्षा के लिए मैं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला का अंत करूंगा। आप जब कहें तब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। कब चलना है? कल भोर में ही। कल
जाननम भूत गणादि सेवितम् गजाननम् भूत गणादि सेवितम् कपित्थजम् फल चारु भक्षण उमासुत शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् कह रहे हो भैया फिर क्या चलते हैं? अरे बुद्धिहीन, यदि किसी सैनिक ने हमें देख लिया तो पकड़े गए तो बंधक बना के रख लिए जाएंगे, और पहचाने गए तो भैया मैं सोच रहा सोचने था का काम तुम मत करो सुग्रीव, वो तुम मुझ महानतम के लिए छोड़ दो, तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, समझे? जी भैया। भैया मेरे मन में एक विचार, इतना मोहक शिशु है, इतना प्यारा शिशु मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारा शिशु? अरे मूर्ख, ये वही मरकट है, हमारा शत्रु, किष्किंधा का शत्रु। किंतु भैया वो मरकट नवजात है, कुछ दिन पूर्व ही जन्मा है, किंतु ये तो 5-6 मास का दिख रहा है। ये तो सचमुच 6 मास जितना बड़ा है, किंतु ये कैसे संभव है? इसके जन्मे तो 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। कोई और होगा हमारा शत्रु, ये तो कहीं से भी दुष्ट नहीं लगता, ये तो कितना शांत है, इसे तो देखने से ही मन में आनंद सा उठता है। ये वही शिशु है, मुझ महानतम से ये भूल नहीं हो सकती। किंतु भैया, किंतु विंतु कुछ नहीं, तू जानता नहीं, ये दुष्ट बड़ा ही भयानक मायावी है। मायावी?
मुझे तो नहीं लगता। जब तक प्राणी का कर्म शुद्ध नहीं रहता तब तक उसकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वो सत्य को सामने देखकर भी देख नहीं पाता। उसके कल्याण का मार्ग बार बार उसके सामने आता है, फिर भी वो उसका चुनाव नहीं कर पाता। समझाने वाले को वो अपना शत्रु समझता है और अंत में अपने सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली परम संत हनुमान को बार बार देखकर भी उससे शत्रुता करता रहा और अपने अंत काल तक ऐसे ही भटकता रहा। कर लिया लल्ला ने स्नान, अब कर लीजिए थोड़ा ध्यान। हार कंठ में कुंडल कान, कितनी सुंदर है मुस्कान। महारानी जी आप कुछ खा लीजिए, जब तक युवराज का अन्नप्राशन नहीं हो जाता तो उनके लिए भी आपको ही खाना होगा ना। अरे हाँ, फिर तो हमें बहुत सारा खाना होगा, क्यों केसरी नंदन? लीजिए महारानी जी, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। धाई माँ आप भी खाइए ना। अभी नहीं, अन्नप्राशन के बाद। भैया ये तो घुटनों के बल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि 6 दिन का भी नहीं है। माया भी है मकट, बोला था ना मैंने। युवराज जी थोड़े और बड़े हो जाइए, फिर मैं स्वयं आपको सेब के उपवन में ले चलूंगी। चलेंगे हम उपवन, खाएंगे फल हम भर मन। महारानी जी मैं आपके लिए स्नान का प्रबंध करती हूँ। केसरी नंदन अब मैं स्नान करके आती हूँ। रही है करने स्नान और आप कीजिए कुछ क्षण आराम। चलो चलो लेट जाओ। देखो तो इस मायावी मरकट को, 5 दिन का भी नहीं है और सेब खाना चाहता है। किंतु भैया देव भैया ये तो खड़ा भी हो गया। ये तो सच में चमत्कारी शिशु है। चमत्कारी नहीं मंदबुद्धि, मायावी।
स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं।